हेलो एवरीवन, अगर आप एनडीए, एयरफोर्स एक्सप्रो या नेवी डबल एसएसआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है ऑसिलेशन यानी दोलन। चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, आपने ट्वेल्थ किया है, चाहे आपने सीबीएसई से ट्वेल्थ किया है, बाईलैंगुअल आपको यहाँ चीज़ें मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि अगर आपको ऑसिलेशन में हमेशा से प्रॉब्लम रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप ये वीडियो देखें, आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यानी आपके लिए मैं यूं बोलूं कि आपके लिए ये वीडियो एक सॉल्यूशन है ऑसिलेशन का। लगातार वीडियो के अंदर बने रहिए और लगातार आपको नोट्स बनाने, यानी साथ ही साथ अगर नोट्स बनाओगे तो क्लियरिटी अच्छी आएगी, चीज़ें समझ में आएंगी और सीधा माइंड के अंदर वो चीज़ें सेट होंगी। अब देखो, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज ऑसिलेशन। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम दोलन। क्या बोलते हैं? दोलन, ऑसिलेशन। दोलन, कुछ लोग इसको एसएचएम के नाम से पढ़ाते हैं। किसके नाम से? एसएचएम। एसएचएम को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। एक्चुअल में जो आपका जो चैप्टर है वो ऑसिलेशन है और ऑसिलेशन के अंदर हम एक टॉपिक है एसएचएम, उसे पढ़ेंगे। तो जो चैप्टर होता है वो ऑसिलेशन होता है, जो एसएचएम पढ़ोगे वो इसके अंदर पढ़ोगे आप। क्लियर है? तो देखो, ऑसिलेशन के अंदर मुझे आपको सबसे पहले बताना है कुछ मोशन के बारे में, कुछ गति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला मोशन है पीरियोडिक मोशन। भाई कॉपी पेन निकाल लेना और साथ के साथ लिखते चलना। पीरियोडिक मोशन को हम बोलते हैं आवर्त गति। क्या बोलते हैं? आवर्त गति। और मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दूं, पीरियोडिक मोशन बोलो या आप हार्मोनिक मोशन बोल दो, हार्मोनिक मोशन बात एक ही है। हार्मोनिक मोशन का मतलब भी आवर्त गति होता है और पीरियोडिक मोशन का मतलब भी आवर्त गति होता है। याद रखना, जनरली जो टर्म है वो पीरियडिक मोशन यूज होगी ज्यादा से ज्यादा, ये टर्म बहुत कम ही होती है, लेकिन नेवी डबले ने ये क्वेश्चन बन चुका है, पूछा जा चुका है, उसमें पीरियडिक मोशन का ऑप्शन नहीं था, उसमें हार्मोनिक मोशन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो देखो, इस पीरियडिक मोशन कहते किसे हैं, आवर्त गति कहते किसे हैं, तो मैं आपको बताता हूं, पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। यानी अ बॉडी विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल या यूं बोलो और फिक्स्ड टाइम। फिक्स्ड टाइम, ठीक है, तो फिक्स टाइम को हिंदी में हम बोल देते हैं, या फिक्स ड्यूरेशन बोल दो या टाइम बोल दो, फिक्स ड्यूरेशन इसको हिंदी में बोलते हैं हम, निश्चित समय अंतराल। ठीक है भाई, रिपीट का मतलब होता है पुनरावृत्ति। देखो, इस मोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी, कोई पिंड, कोई पार्टिकल यानी कोई कण एक फिक्स टाइम बाद, एक फिक्स ड्यूरेशन बाद या एक निश्चित समय के बाद उस मोशन को रिपीट करे, उसी मोशन को बार बार रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। दोबारा समझो, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। दोबारा इस लाइन को समझो, कोई पार्टिकल या कोई बॉडी, कोई कण या कोई पिंड एक फिक्स टाइम बाद उस मोशन को बार बार रिपीट करे, पुनरावृत्ति करे उस फिक्स टाइम बाद। ध्यान रखना क्या वर्ड, फिक्स टाइम बाद, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सबसे पहले देखो, अभी मैंने आपको इससे पहले जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया, इससे पहले मैं आपको ग्रेविटेशन फिनिश करा चुका हूं, तो कुछ एग्जांपल मैं ग्रेविटेशन से उठा लेता हूं। पहला एग्जांपल क्या है, देखो, अर्थ है, पृथ्वी अर्थ है, और अर्थ अपनी इस एक्सिस के अबाउट, अपनी इस अक्ष के अबाउट घूम रही है। ये मानो अक्ष है, एक्सिस है, और अर्थ अपनी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो कितनी देर में यह चक्कर लगाती है इस एक्सिस के अबाउट, ये अपना पूरा एक चक्कर पूरा ये 24 घंटे में लगा लेती है। कितनी देर में लगा लेती है? 24 घंटे में।
कितनी देर में लगा लेती है? 24 घंटे में। अबे बताओ, अभी इसने पूरा चक्कर लगा लिया 24 घंटे में, अबे दोबारा चक्कर लगाएगी तो क्या दूसरा चक्कर 56 घंटे में लगाएगी? नहीं, दूसरा चक्कर भी इस एक्सिस के अबाउट 24 घंटे में लगाएगी। अभी फिर दूसरा चक्कर भी हो गया, फिर तीसरा चक्कर भी 24 घंटे में लगाएगी, फिर चौथा चक्कर भी 24 घंटे में लगाएगी। यानी जितने भी चक्कर लगाएगी, एक पूरा चक्कर ये 24 घंटे में कंप्लीट करेगी। तो एक फिक्स टाइम बाद, 24 घंटे बाद, ये दोबारा से उसी मोशन को रिपीट कर रही है। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रिडिक्ट मोशन। एक टर्म आप समझ लो यहां, देखो मैं छोटी छोटी चीजें आपको समझा रहा हूं, एक छोटी बात समझ लो। फिक्स ड्यूरेशन या रेगुलर इंटरवल को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। और इसको टी से दर्शाते हैं। तो एक फिक्स टाइम जो होता है ना, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो अब जो अर्थ है इस एक्सिस के बाद जो घूम रही है, इस अक्ष के बाद घूम रही है, एक पूरा चक्कर लगाने में क्या है? 24 घंटा। और 24 घंटा क्या होगा? फिक्स ड्यूरेशन। तो इसलिए अब मैं बोलूं कि भैया इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? भैया 24 घंटा इसका टाइम पीरियड होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो पहला एग्जांपल तो ये हो गया। अब देखो दूसरा एग्जांपल, मैं इनको रफ कर रहा हूं, नोट करते चलो साथ के साथ। दूसरा एग्जांपल आप देखो, देखो ये अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? मून। कौन चक्कर लगाता है? मून, चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी की तरफ जो चारों चक्कर लगाता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, कितने दिन में एक चक्कर पूरा कवर कर लेता है? कितने दिन में? तो करीब करीब ये 27.3 दिन में पूरा चक्कर, एक चक्कर लगा लेता है। तो आप बताओ क्या अबे अगला चक्कर, एक चक्कर पूरा हो गया 27 दिन में, लगभग इसको हम 28 दिन भी कह देते हैं। कितने दिन? 28 दिन भी कह के चलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप 28 दिन कह लो या 27.3 दिन, एक एग्जैक्ट है और लगभग उसको हम 28 बोल देते हैं। ठीक है, तो 28 दिन में इसने पूरा चक्कर लगा लिया, अभी आ गया अपनी जगह पर। फिर ये दोबारा से पूरा चक्कर कितने दिन में लगाएगा? 28 दिन में। आ गया भाई, फिर तीसरा चक्कर है कितने दिन में लगाएगा? 28 दिन में। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक हम और आप रहेंगे, हमारे बाद और की जनसंख्या रहेगी, तब तक ये चंद्रमा पृथ्वी के हमेशा हमेशा एक पूरा चक्कर 28 दिन में ही लगाएगा। तो देखो फिक्स ड्यूरेशन में, फिक्स टाइम बाद एक चक्कर लगा रहा है, फिर अगला चक्कर फिक्स टाइम बाद लगा रहा है। तो फिक्स ड्यूरेशन के बाद जो मोशन को रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? प्रिडिक्ट मोशन। तो अब यहां मैं तुमसे बोलूं कि भैया ये 28 दिन क्या है? सर ये 28 दिन टाइम पीरियड है, किसका? चंद्रमा का। बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट आप समझो, देखो ये इलिप्स है, मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशन में, ये सेंटर है और ये फोकस पर क्या है? सन है। और सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? अर्थ लगाती है, पृथ्वी लगाती है। कितने दिन में पृथ्वी सन का एक पूरा चक्कर लगा लेती है? एक साल में, यानी करीब 365 दिन में। तो टाइम पीरियड कितना हो गया अर्थ का? 365 दिन, यानी करीब बोल दो उसको एक साल। तो पृथ्वी हमेशा सूरज का एक चक्कर एक साल में कंप्लीट कर लेती है। अब वो जो दूसरा चक्कर है, दूसरा चक्कर भी कितने दिन में लगाएगी? एक साल में। अब तीसरा चक्कर भी पूरा कितने दिन में करेगी? एक साल में। तो आप देख रहे हैं एक साल में वो एक चक्कर लगा रही है, फिर अगला चक्कर भी एक साल में लगा रही है। तो एक फिक्स टाइम में जो मोशन कर रही है उसको रिपीट कर रही है बार बार, भैया एक एक साल में एक चक्कर, अगले एक साल में एक चक्कर। तो एक फिक्स टाइम में जो मोशन को रिपीट कर रही है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियडिक मोशन। बातें क्लियर हो रही होंगी? ठीक है, अब एक और एग्जांपल आप उठा लो, वॉच। ठीक है, वॉच का आप एग्जांपल ले लो, घड़ी का। तो देखो वॉच है, ये वॉच है, ये मानो यहां तीन, ये छह और ये नौ और ये बारह। तो वॉच के अंदर तीन सुई होती है, सेकंड वाली, ठीक है, और एक मिनट वाली, और एक होती है घंटे वाली। ठीक है, एक छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो अब आप बताओ जो सेकंड वाली सुई है, जो सेकंड वाली सुई है, वो एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगा लेती है? सेकंड वाली सुई एक चक्कर एक मिनट में लगाती है पूरा। तो भैया सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? एक मिनट। यानी वो एक पूरा चक्कर हमेशा एक मिनट में ही लगाएगी। तो एक फिक्स टाइम बाद वो मोशन रिपीट कर रही है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं भाई? प्रिडिक्ट मोशन। बात समझ में आ रही है? दूसरा मिनट वाली घड़ी को, मिनट वाली सुई को देख लो। जो मिनट वाली सुई होती है वो एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है? एक घंटे में। कितने में? एक घंटे में। तो बार बार वो एक घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी।
ऐसे मोशन को क्या बोल रहे हैं? प्रोडिक मोशन। तीसरा आप देख लो घंटे वाली सुई, भैया जो घंटे वाली सुई है देखो 12 बज गए, 12 एक बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, इस तरीके से। तो पूरा चक्कर जो घंटे वाली सुई है, एक पूरा चक्कर कितने दिन में लगाती है? 12 घंटे में। तो घंटे वाली सुई के लिए टाइम पीरियड कितना हो गया? 12 घंटा। तो हर 12 घंटे बाद वो एक चक्कर अपना पूरा कवर करेगी। तो एक फिक्स टाइम बाद जो मोशन को रिपीट कर रही है, पुनरावृत्ति कर रही है, ऐसे मोशन को बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। मुझे नहीं लगता कि अब और कोई एग्जांपल की तुम्हें जरूरत होगी, ठीक है? तो आज तुम्हारा ये पीरियोडिक मोशन का क्लियर हो गया है। लेकिन अभी मैं आपको दो एग्जांपल और दे देता हूं, आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो दो एग्जांपल, ठीक है? तो मैं इसको रफ कर दूं भाई। एक एग्जांपल आपका दे रखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि एक चींटी है, यानी एन आंट क्लाइंब अप देन एंड डाउन। तो ये बोल रहा है कि एक खंबा है ऐसे, ठीक है? ये खंबा है, ठीक है, या ट्री है। तो इस खंबे पर ये चींटी है, ठीक है, ये चींटी है। तो ये चींटी चढ़ रही है ऊपर की तरफ, यानी अप, और फिर ये क्या कर रही है? फिसल रही है, मतलब नीचे आ रही है, यानी डाउन। तो जितने टाइम में ये ऊपर चढ़ रही है उतने ही टाइम में ये नीचे आ रही है। मतलब चढ़ने में मान के चलो इसका कितना घंटा लगता है? 2 घंटा। तो 2 घंटा इसको आने में लगेगा। तो हम ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? अब प्रिडिक्ट मोशन। फिर ये दोबारा से चढ़ रही है 2 घंटे में ऊपर, फिर दोबारा में फिसल रही है 2 घंटे में नीचे, फिर 2 घंटे में ऊपर चढ़ रही है, फिर 2 घंटे में नीचे, फिर 2 घंटे में ऊपर, 2 घंटे में नीचे, बार बार फिक्स टाइम बाद ऊपर नीचे चढ़ रही है। तो फिक्स टाइम के बाद जो मोशन को रिपीट करता है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रिडिक्ट मोशन। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और दे रखा है स्टेयर्स वाला, सीढ़ियों वाला। उसमें बोल रहा है कि एक बंदा है कोई, सीढ़ियों पर चढ़ता है और उतरता है। एक फिक्स टाइम बाद, मान के चलो 3 घंटे बाद ऊपर चढ़ता है, फिर 3 घंटे बाद ही नीचे आ जाता है, फिर 3 घंटे बाद ऊपर चढ़ता है 10 सीढ़ी, और 3 घंटे बाद 10 सीढ़ी नीचे आता है। तो एक फिक्स टाइम बाद वो मोशन को रिपीट कर रहा है, भैया 3 घंटे में ऊपर, 3 घंटे में नीचे, 3 घंटे में ऊपर, 3 घंटे में नीचे। तो एक फिक्स टाइम बाद उस मोशन को रिपीट कर रहा है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? प्रिडिक्ट मोशन। मुझे नहीं लगता आप कोई तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है? तो मैं इसको रफ कर दूं। अब इसके बाद मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल समझाऊंगा, वो भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, और उस एग्जांपल से आप बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे अब, ठीक है भाई? साथ के साथ लिखते चलो। देखो मेरे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। क्लियर? देखो भाई ये सर्कल है, यूनिफॉर्म सर्कल, ये इसका सेंटर है। अब ये बॉडी यहां कोई पिंड है, कोई पार्टिकल है, अब वो यहां से चलना प्रारंभ किया, और मान के चलो एक पूरा चक्कर उसने टी टाइम में कवर कर लिया। कितने देर में? टी टाइम में यहां आ गया। तो अब ये देखो यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना यूनिफॉर्म है, स्पीड फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड फिक्स रहेगी। तो एक फिक्स टाइम में एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो अगला चक्कर भी फिक्स टाइम में लगाएगा, तीसरा चक्कर भी फिक्स टाइम में लगाएगा। तो किसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? प्रिडिक्ट मोशन का एग्जांपल है। किसका है ये? प्रिडिक्ट मोशन का एग्जांपल है, ध्यान से समझना इस बात को। प्रिडिक्ट मोशन यानी आवर्त गति। तो भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसमें आता है? आवर्त गति में आता है। किसमें आता है? आवर्त गति में। क्लियर? ये सारे पॉइंट आपके थे प्रिडिक्ट मोशन से रिलेटेड। अब मैं आपको जो दूसरा मोशन पढ़ाऊंगा वो होगा आपका ऑसिलेटरी मोशन, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं हम दोलन गति। क्या बोलते हैं? दोलन गति। तो देखो दूसरा मोशन दैट इज ऑसिलेटरी बोल दो इसको, या इसको आप बोल दो वाइब्रेटरी मोशन, यानी कंपन गति। तो लिख लो भाई दोलन गति अथवा कंपन गति, बात एक ही है। क्लियर? ये क्या मोशन होता है? देखो लिख देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। ये मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो,
टू एंड फ्रो को हिंदी में बोलते हैं इधर से उधर। इसी बात से आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, इधर से उधर। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजिशन। देखो भैया, मीन पोजिशन को हिंदी में बोलते हैं माध्य स्थिति। क्या बोलते हैं? माध्य स्थिति। मीन पोजिशन को मैं आपको बता दूं, जब समझा रहा हूं तो देखो ध्यान से समझना, मीन पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? माध्य स्थिति। और इसी को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजिशन। अगर आप मेरी लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मैंने वर्क पावर एनर्जी में इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, तीन टाइप के, स्टेटिक, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वहां मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो वो देख लेना, कई बार उसमें से डबल ने क्वेश्चन पूछा है, यूट्यूब बार में सर्च कर लेना वर्क पावर एनर्जी साइंस फॉर डिफेंस, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब, इसको बोलते हैं हम साम्य स्थिति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साम्य स्थिति। तो मीन पोजीशन बोलूं या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलूं, बात एक ही है, बात एक ही है, साम्य स्थिति या माध्य स्थिति, क्लियर है। तो भैया देखो, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, इस बात का मतलब क्या है? देखो इस बात का मतलब ये कि भाई देखो, आपने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी, नंबर लाइन, तो उसमें क्या होता था कि बीच में हम ओरिजिन मानते थे, ओरिजिन बीच में, ठीक है। सेम केस यहां है, बीच में पॉइंट है जहां बॉडी रुकी हुई है, जहां जो पिंड है ना, जो पार्टिकल है वो रुका हुआ है, रेस्ट में है पार्टिकल, यानी पार्टिकल किस में है? रेस्ट में। तो पार्टिकल जो कण है, पार्टिकल इज इन रेस्ट, वो रुका हुआ है आराम से। अब वो चलना स्टार्ट करेगा, या तो वो इधर चले या वो इधर चले, यानी इधर से उधर, टू एंड फ्रो, इधर से उधर चले, लेकिन कहां से? फ्रॉम मीन पोजिशन, माध्य स्थिति से। भैया वो हमेशा या तो अपनी मीन पोजिशन से इधर चलेगा, फिर लौट के कहां जाएगा? मीन पोजिशन पर। फिर मीन पोजिशन से इधर चले, फिर लौट कर कहां पहुंच जाए? मीन पोजिशन पर। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं भाई ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। और जहां से बॉडी चलना प्रारंभ कर रही है, जहां से वो पिंड चलना प्रारंभ कर रहा है, जहां से वो कण चलना प्रारंभ कर रहा है, उस भैया पोजिशन को हम बोलते हैं मीन पोजिशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजिशन, माध्य स्थिति या इक्विलिब्रियम पोजिशन, यानी साम्य स्थिति। बातें समझ में आ रही हैं? इतनी बातें क्लियर है? बताओ भाई, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर। अब एक चीज आप देखो जो मुझे आपको समझानी है, कई बार नहीं पता होता छोटी छोटी चीजें, वो देखो आप। इतनी बातें क्लियर है आपका? ऑसिलेटरी मोशन क्लियर, कि जो बॉडी मीन पोजिशन से, अपनी माध्य स्थिति से इधर से उधर चले, इधर से उधर चले, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं इसका, सिंपल पेंडुलम का। किसका? सिंपल पेंडुलम। देखो अभी मैं आपको सिंपल पेंडुलम को यहां ढंग से नहीं पढ़ाऊंगा, बस समझा रहा हूं। सिंपल पेंडुलम का आपके इस ऑसिलेशन वाले चैप्टर के अंदर अलग से सेक्शन है, वहां मैं आपको एकदम हर चीज क्लियर करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो, सिंपल पेंडुलम को हिंदी में बोलते हैं सरल लोलक। क्या बोलते हैं? सरल लोलक। तो ऐसे भैया कोई धागे से, कोई धागा है हमारे पास, कोई धागा, उससे हमने बॉल लटका दिया है, ठीक है। तो भैया ये धागा है, इससे हमने एक बॉल लटका दी और इसको भैया फिक्स कर दिया ऊपर। तो भैया ये रुका हुआ है बॉल यहां नीचे, तो इसको हम ये क्या बोलेंगे? इसको मीन पोजिशन। क्या बोलेंगे हम इसको? मीन पोजिशन, यानी माध्य स्थिति या इक्विलिब्रियम पोजिशन, साम्य स्थिति। जब मैं इसको ध्यान से फील करो, ये या तो मैं ये मीन पोजिशन से इधर जाए फिर लौट के अपनी मीन पोजिशन पर आ गया, या फिर अपनी मीन पोजिशन से इधर जाए फिर लौट के अपनी पोजिशन पर आ गया। तो चल कहां से रही है बॉडी? मीन पोजिशन से, इधर से उधर, इधर से उधर, कहां से? मीन पोजिशन से। तो ऐसे मोशन को भैया हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, या बॉडी यहां से यहां चली, या बॉडी यहां से, तो यहां से आ गई, लौट के कहां आई? मीन पोजिशन पर। फिर अपनी मीन पोजिशन से यहां पहुंची, फिर लौट के कहां आ गई? मीन पोजिशन पर। ऐसे मोशन को भैया हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, या वाइब्रेटरी मोशन। इतनी बातें क्लियर है? तो एक लाइन और समझो आप, एक पॉइंट समझो आप। देखो इसको समझो आप, ये आपकी मीन पोजिशन सी, मीन पोजिशन से बॉडी इधर या इधर चल रही है, ठीक है, मीन पोजिशन है आपकी। क्या है? मीन पोजिशन, माध्य स्थिति। अगर जो बॉडी है, जो पिंड है, जो यहां रेस्ट में, वो यहां से इधर चलने में या यहां से इधर चलने में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी अत्यधिक विस्थापन तय करे। क्या तय करे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अत्यधिक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी अत्यधिक विस्थापन तय करे, उसको हम बोलते हैं, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को भैया हम बोलेंगे
एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं आयाम, और किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होती है जानना, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि जब पार्टिकल मीन पोर्शन से चलेगा और मीन पोर्शन से वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अत्यधिक विस्थापन तय करे, या इधर उस जो डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम, क्या बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम। इतनी बात क्लियर है, इसको अच्छे से नोट करो। अब आपके लिए भयंकर कॉन्सेप्ट है क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और एयरफोर्स ने उस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसको नोट करो भैया, नोट करके देखो समझो। मैंने अभी आपको समझाया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्ति गति। तो भैया ये सर्कल है, यूनिफॉर्म सर्कल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये किसका एग्जांपल है, पीरियडिक मोशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, पीरियडिक मोशन का एग्जांपल है, यानी आवर्त गति का एग्जांपल है। बताओ बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था, ठीक है। अभी मैंने आपको ऐसे चार पांच एग्जांपल और समझाए थे कि उनमें से एक एग्जांपल उठा लेते हैं, कोई कॉमन एग्जांपल, ठीक है, ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। देखो ये अर्थ थी, पृथ्वी, और अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा था, मून। तो ये किसका एग्जांपल था भैया, पीरियडिक मोशन का, यानी आवर्त गति का। यही मैंने आपको पढ़ाया था, आवर्त गति का एग्जांपल था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये जो यूनिफॉर्म सर्कल है वो पीरियडिक मोशन है, पीरियडिक मोशन कर रहा है। ये अर्थ के अबाउट जो मून घूम रहा है वो क्या कर रहा है, पीरियडिक मोशन कर रहा है, सरल आवर्त, सरल गति कर रहा है। तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन भी करेगा, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन भी करेगा, यानी वाइब्रेटरी मोशन भी करेगा, क्या ये दोलन गति भी करेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये दोलन गति भी करेगा, क्या नहीं सेम, क्या ये दोलन गति करेगा, वाइब्रेटरी मोशन करेगा, बताओ कमेंट करके बताओ, क्या ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जो पीरियडिक मोशन करेगा तो क्या वो ऑसिलेटरी मोशन भी करेगा। यहीं से एयरफोर्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो मैं आपको समझा देता हूं, मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका मैं आपको रीजन देता हूं। मैंने आपसे क्या बोला है कि बिल्कुल नहीं करेगा, तो मैं आपके लिए पहले एक लाइन लिख रहा हूं, उसका मैं मतलब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ चीजें देख लो। पहले मैं आपको लिख के आ रहा हूं नोट करके, पहला पॉइंट जहां से क्वेश्चन बना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो ऑल पीरियडिक मोशन यानी सभी आवर्त गति, ऑल पीरियडिक मोशन हिंदी लिखते चलना, सभी आवर्त गति, ऑल पीरियडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, यानी सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं होते। पहला पॉइंट। बट लेकिन ऑल ऑसिलेटरी मोशन लेकिन सभी दोलन गति आर पीरियडिक मोशन आवर्त गति होते हैं, यानी सभी दोलन गति आवर्त गति होते हैं लेकिन सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं होते। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका रीजन समझो ऐसा क्या है। देखो मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है, देखो समझो। अब मैंने क्या बोला है कि सभी पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होंगे, क्यों, ये है क्वेश्चन। तो भैया ध्यान से समझने की कोशिश करो, कारण क्या है, रीजन क्या है, देखो समझो। इसमें क्या है कि एक फिक्स टाइम बाद बॉडी मोशन को रिपीट कर रही है, क्या कर रही है, बॉडी रिपीट कर रही है। ऑसिलेटरी के अंदर क्या है कि बॉडी कहां से चल रही है, मीन पोजीशन से चल रही है, कहां से चल रही है भैया, माध्य स्थिति से चल रही है या इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी साम्य स्थिति से चल रही है, कहां से चल रही है, मीन पोजीशन से। लेकिन क्या प्रेडिक मोशन के अंदर बॉडी मीन पोजीशन से इधर से उधर चल रही है, भैया नहीं, वो क्या कर रही है, वो एक जगह से चलना स्टार्ट कर रही है और वो एक कंप्लीट चक्कर एक फिक्स टाइम में कवर कर रही है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई, तो प्रेडिक मोशन के अंदर बॉडी इधर से उधर नहीं चल रही है, बॉडी ऐसे नहीं चल रही है, बॉडी कैसे चल रही है, ऐसे पूरा चक्कर लगा रही है वो। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, इधर से उधर, इधर से उधर।
तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सभी पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकते। ये लाइन क्लियर है, ये लाइन क्लियर है, समझ में आ गया। क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन हम इधर से उधर जाएंगे, और पीरियडिक मोशन में भैया एक फिक्स टाइम में हमें क्या करना होगा, एक कंप्लीट चक्कर या फिक्स टाइम में ऊपर से नीचे कहीं भी, लेकिन बॉडी इधर से उधर नहीं जाएगी इस तरीके से। इतनी बात है क्लियर है। दूसरी बात देखो, अब मैंने आपको बताया कि ऑसिलेटरी मोशन, सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन होंगे। बड़ी अमेजिंग बात कि सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन होंगे। पीरियडिक मोशन में क्या था कि बॉडी यहां से चलना स्टार्ट कर रही है अपना कंप्लीट चक्कर, एक फिक्स टाइम बाद फिर इसी को दोबारा से रिपीट करेगी। सेम देखो, बॉडी ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां चली फिर गई अपनी जगह पर मीन पोजीशन पर, फिर मीन पोजीशन से इधर गई, फिर लौट के अपनी जगह पर आ गई, फिर फिक्स टाइम बाद बॉडी अपनी जगह पर लौट के आ गई, फिर एक फिक्स टाइम बाद पर बॉडी अपनी जगह पर लौट के आ गई। तो हम कह सकते हैं कि सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक मोशन होते हैं। तो भैया ये स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखना, ये आपके एग्जाम में एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, नेवी भी भाई पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इतनी बात है क्लियर है। तो मैं इसको रफ करूं भाई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं कुछ और चीजें, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, स्प्रिंग का एग्जाम्पल है। किसका? स्प्रिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग के जो कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपको वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा चुका हूं। किसमें? वर्क पावर एनर्जी में। वो भी आप जाके देख लेना। खैर, यहां जितना जरूरी है वो चीज तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ही करूंगा, क्लियर है। तो देखो, स्प्रिंग देखो भाई, ये मेरे पास यहां एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से एक एम मास का ब्लॉक लटका दिया, आपको दिख रहा होगा, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा बनाया। स्प्रिंग से एक एम मास का ब्लॉक लटका दिया, एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक लटका दिया, और भैया इसको कहां कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, ठीक। मैं जो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं उसके कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन। कोई सामान लाते नीचे लिखा रहता है ना टर्म एंड कंडीशन, ठीक वैसे इसकी टर्म एंड कंडीशन है कि नेगलेक्टेड ग्रेविटी यानी गुरुत्व को इग्नोर मानकर हमें कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, यानी यहां ग्रेविटी नहीं है। तो देखो भैया, अगर मैं इसको फील करो, दिमाग में फील करो, कोई स्प्रिंग आपके पास और इसको आप खींच रहे हो, इसको क्या कर रहे हो आप, खींच रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको आप खींच रहे हो। तो मैं इस एम मास के ब्लॉक को खींच रहा हूं, तो मैंने इसको खींचा इधर, कितना डिस्प्लेसमेंट, मान लो एक्स, कितना डिस्प्लेसमेंट एक्स, यहां पे क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, क्या है, विस्थापन। तो मैंने इसको कितना खींचा, एक्स डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? तो देखो, इसकी क्या खासियत होगी कि ये जैसे मैंने इसको खींचा होगा, तुम स्प्रिंग खींचते हो ना, तो जैसे हम इसको खींच रहे हैं, तो जो स्प्रिंग है ना एक अंदर की तरफ फोर्स लगाती है और अपनी पोजीशन पर वापस लौटना चाहती है। पोजीशन बोले तो भैया कहां, मीन पोजीशन, क्या, अपनी मीन पोजीशन पर, माध्य स्थिति पर लौटना चाहती है, मीन पोजीशन पर, कहां, माध्य स्थिति पर। भैया अगर आप डिस्प्लेसमेंट इसको इधर की तरफ खींच रहे हो, तो ये जो स्प्रिंग है वो कहां आना चाहिए, अंदर की तरफ। भैया अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यानन बल, क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यानन बल, तो अंदर की तरफ लग रहा है, रीस्टोरिंग। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां पे ये देख रहे होंगे कि जो फोर्स है और जो विस्थापन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। भैया डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है और फोर्स अंदर लग रहा है, तो माइनस क्या बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो भैया पहला पॉइंट तो यही मैं लिख देता हूं कि फोर्स यानी रीस्टोरिंग फोर्स लिख दो, या सिंपल फोर्स बोल दो, रीस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानन बल, रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमने बॉडी को खींचा है ब्लॉक को, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, भैया विपरीत दिशा में लगेंगे, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन या आर इन अपोजिट डायरेक्शन, भैया विपरीत दिशा में लगेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आप जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा के, क्या आ जाएगा, के, तो ये हो जाएगा एफ बराबर माइनस के एक्स, और के आपको मैंने पढ़ाया था वर्क पावर एनर्जी में से क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट यानी स्प्रिंग नेतांग, या फोर्स कॉन्स्टेंट बल नेतांग। इसकी यूनिट वगैरह, डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह मैंने, यानी विमीय सूत्र वगैरह, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है।
अब इसमें जो जानने वाली बात है वो क्या है, वो ये है कि जो फोर्स है ना, जो बल है वो किधर लग रहा है, किधर लग रहा है बल, बल भैया लगेगा किधर, मीन पोजीशन की तरफ, किधर लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो फोर्स है, फोर्स एक्ट टू वार्ड्स मीन पोजीशन। तो भैया जो बल है वो माध्य स्थिति की तरफ लगेगा, किधर लगेगा, माध्य स्थिति की तरफ। तो याद रखना फोर्स हमेशा किधर लगेगा, माध्य स्थिति की तरफ लगेगा, किधर लगेगा, माध्य स्थिति की तरफ लगेगा। इतनी बात है, क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा मैं बता दूं, अगर देखो हम यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन कर रहे हैं, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम कर रहे हैं, एनर्जी नेदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय, सबको रटा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ अप्लाई करते हैं, तो हमने स्प्रिंग को खींचा और एक बार छोड़ दिया, तो भैया हमेशा इस तरीके से वाइब्रेट करती रहेगी, आगे पीछे जाती रहेगी। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, ऊर्जा की हानि हो रही है, तो भैया एक बार वाइब्रेट करेगा फिर धर जाएगा, एक टाइम धीरे 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 फिर आके यहाँ रुक जाएगा अपनी जगह, जब एनर्जी का लॉस होगा तो। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो, ऊर्जा का संरक्षण नियम लगा रहे हो, एक बार तुमने खींच दिया फिर छोड़ दो, फिर भैया हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। इतनी बात है, क्लियर है, इतनी बात है, क्लियर है, ठीक है, इसको नोट करो। तो पॉइंट जो है वो याद रखना, जो फोर्स है वो हमेशा और हमेशा किधर लगेगा, मीन पोजिशन की तरफ लगेगा, और जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। क्लियर है, मैं इसको रफ कर देता। अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा ऑसिलेटरी इक्वेशन, यानी दोलन समीकरण, ठीक है, ऑसिलेटरी इक्वेशन दोलन समीकरण। देखो जो दोलन समीकरण होता है वो क्या होता है, वो होता है एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर एन। देखो यहां पर एक्स क्या है, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहां से मापा जाएगा, मीन पोजीशन से। दिमाग में भाई ये चीज सेट कर लो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मापा जाएगा, कहां से मेजर करा जाएगा, मेजर फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी माध्य स्थिति से ये विस्थापन मापा जाएगा। क्लियर है। एन क्या है, एन भैया यहां है आपका ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या है। बोलेंगे आप भैया इवन नंबर क्यों नहीं है, सम संख्या है, बताएंगे, इंतजार करो थोड़ा सा। ऑड नंबर, एन क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7 एसेट्रा, ये सब क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। इवन क्यों नहीं है मैं बताऊंगा, यानी सम संख्या क्यों नहीं है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये फोर्स क्या है, ये एफ क्या था, फोर्स भैया किधर लगेगा, हमेशा टू वार्ड्स एक्ट इन द मीन पोजिशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मीन पोजिशन। मेरी बात है समझ में आ रही है, हमेशा और हमेशा ये फोर्स किधर लगेगा, मीन पोजिशन की तरफ लगेगा, किधर लगेगा, मीन पोजिशन की तरफ लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मापा जाएगा, मीन पोजिशन से मापा जाएगा। इतनी बात है, क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है दिमाग में, कि भाई ये आपने जो एन है वो इवन क्यों नहीं लिया, सम क्यों नहीं लिया। क्वेश्चन ये है कि एन जो है वो इवन यानी सम क्यों नहीं है। तो समझो आप, देखो ये मीन पोजिशन है, ठीक है, यहां एक पार्टिकल है, मीन पोजिशन है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये जीरो है, किसी किसी किताब में वाई से भी उसको डिनोट कर दिया है ना, तो कंफ्यूज मत होना, उसने बोल रखा है कि वाई यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो मैं यहां कंफ्यूज ना हो, यहां मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट माना है और यहां भी मैं एक्स को डिस्प्लेसमेंट मान के चल रहा हूं। तो पार्टिकल रेस्ट में, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है, जीरो। जब पार्टिकल यहां पहुंचा, यानी मैं बोलूं तो उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय किया, क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अत्यधिक विस्थापन, और अत्यधिक विस्थापन किसके बराबर बताया था, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो भैया यहां एम्पलीट्यूड हो गया प्लस ए, यानी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो भैया कितना, प्लस ए,
इस पॉइंट को मैं ये भी बोल सकता हूं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या है? अधिकतम बिंदु जो जहां से सबसे ज्यादा दूरी है उस बिंदु को हम एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं। क्लियर? अब देखो मीन पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से, माध्य स्थिति से ये इधर आ गया, यहां भी इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय किया तो एक्स बराबर माइनस ए, ये क्या है यहां पर एम्पलीट्यूड। इतनी बात है, क्लियर? तो मैंने आपको बताया था मीन पोजीशन क्या था भाई, इसी को मैं आपको बोल रहा था कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हम इसको कह सकते हैं। अब तुम मुझसे पूछोगे भैया इक्विलिब्रियम कौन सा, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम बताए थे आपने, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कब? बर्क पावर एनर्जी जब मैं पढ़ा रहा था। तो देखो आपको मैंने समझाया था कि ये ट्यूब लिया था मैंने इस तरीके से, और भैया यहां एक बॉडी है। अब तुम बताओ अगर इस बॉडी में ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो लौट के कहां जाएगा? अपनी जगह पर, यहीं पे। या मैं इस बॉडी को इधर लेके जाऊं ऊपर तो लौट के कहां जाएगा? अपनी जगह। इधर ले जाओ या इधर, लौट के कहां जाएगा? अपनी जगह पे। मतलब इसका नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। इसका कुल बल क्या होगा? जीरो। तो ऐसे फोर्स को मैं, ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बताया था मैंने आपको? स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको बोलते हैं हम साम्य, साम्य स्थिति। क्या बोलते हैं? साम्य स्थिति। इतनी बात है, क्लियर है? तो भैया यहां नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, नेट फोर्स यहां जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये बात याद रखोगे? इतनी बात है, क्लियर है? यानी मीन पोजीशन पर जो नेट फोर्स होगा वो आपका जीरो होगा। क्लियर? चलो देखें आगे। अब क्वेश्चन यही था कि एन जो है वो आपने इवन क्यों नहीं लिया, सम क्यों नहीं लिया? मान लो भाई, चलो मान लेते हैं मैं इस एन, मान लो थोड़ी देर के लिए एफ एक्स, यदि एक्स जो है वो नेगेटिव है, क्या है? ऋणात्मक है, नेगेटिव है। और एन मान लिया मैंने, क्या एन कोई ऑड है, सॉरी ऑड नहीं, इवन है, इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। इवन बोले तो सम संख्या। क्या? सम संख्या। और मान लो वो क्या है? दो। क्या है? दो। तो जरा देखो f बराबर माइनस के एक्स की पावर n। तो जरा देखो माइनस के एक्स क्या मान लिया आपने? कोई नेगेटिव। और n क्या मान लिया? दो। तो जब भैया नेगेटिव का आप स्क्वायर करोगे, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और फोर्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव। मतलब अगर आपने जब x नेगेटिव माना है तब इवन रखने पर फोर्स भी क्या निकल के आ गया? नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? जबकि मेरे भाई मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, स्प्रिंग वाले केस में क्या समझा था? या यहां पर समझ लो, या स्प्रिंग वाले केस में समझ लो, मैंने आपको बताया था ये कि भैया एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमेशा किधर लगेंगे? विपरीत दिशा में लगेंगे। किधर लगेंगे? विपरीत दिशा में लगेंगे। किधर लगेंगे? विपरीत दिशा में। तो अब बताओ क्या ये ऐसा पॉसिबल है? इसलिए हम भैया इवन नंबर को यहां नहीं लेते हैं। जरा देखो ऑड नंबर को लेके देखें आप, ऑड नंबर को लेके देखो आप। मान लो यहां x को क्या मान लो आप? x को मान लो आप नेगेटिव। क्या मान लो? माइनस के x को मान लिया नेगेटिव। n को मान लो ऑड नंबर, ऑड बोले तो वन, वन मान लिया। अब देखो या तीन मान लो, तो भैया ये पूरा ऑड नंबर तुम रखोगे तो ये पूरा क्या बनेगा? हमेशा और हमेशा नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो भैया इस केस में फोर्स हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। जब आप x क्या मान रहे हो? नेगेटिव। आप देख पा रहे हो मेरी बात? जब आप x आपने यहां नेगेटिव माना है तो फोर्स क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी इस बात का मतलब मेरे भाई ये है, इस बात का मतलब ये है, यहां देखो इस बात का मतलब ये है कि देखो ये आप यहां कि अगर आप x नेगेटिव में चल रहे हो, इधर की तरफ चल रहे हो, x नेगेटिव में इधर की तरफ चल रहे हो तो फोर्स भैया हमेशा किधर लगेगा? इधर की तरफ। किधर लगेगा? इधर की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ लगेगा फोर्स। लेकिन इस बात का मतलब क्या था कि भैया अगर आप एक्स नेगेटिव चल रहे हो तो फोर्स भैया किधर लगेगा? नेगेटिव में लगेगा। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। मैंने क्या बताया था? फोर्स हमेशा और हमेशा किधर लगेगा? मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। मेरे भाई किधर लगेगा? मीन पोजीशन की तरफ। तो मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई कि क्यों हम एन इवन ऑड लेते हैं, इवन नहीं लेते हैं। इतनी बात है, क्लियर है? इतनी बात है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई। तो इसको नोट करो, ये आपकी ऑसिलेटरी इक्वेशन थी। ठीक है, रफ करूं, समझ में आया भाई? अब देखो
अब मैं आपको समझाऊंगा एस एच एम, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो देखो एस एच एम यानी सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हिंदी में बहुत बार बता चुका हूं, लिख लेना सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है ये? पहली बात तो ये समझ लो ये एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन है। क्या है? इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, इट इज स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन ऑसिलेशन, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसकी कंडीशन है उस पर ही एसएचएम करेगा। देखो मैंने अभी आपको ऑसिलेटरी इक्वेशन क्या लिखाई थी, एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर एन, ये थी ऑसिलेटरी इक्वेशन। फिर मैंने आपको बताया था कि एन भैया हमेशा क्या लेंगे आप, ऑड लेंगे। क्या लेंगे आप? ऑड लेंगे। मानो मैंने यहां सबसे पहले एन की वैल्यू वन पुट कर दी, वन है ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा ये एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर वन। इतनी बात क्लियर है, एक्स की पावर वन। दूसरी बात, अब मैंने मान के चलो यहां पुट कर दिया, पुट एन बराबर थ्री, थ्री भी ऑड नंबर है, तो फोर्स क्या आ जाएगा माइनस के एक्स की पावर थ्री। इतनी बात क्लियर। चौथा केस देखो आप, सॉरी थर्ड केस, अगर आप एन की जगह फाइव पुट कर दो तो क्या आ जाएगा फोर्स एफ बराबर माइनस के एक्स की पावर फाइव। इतनी बात क्लियर है। सेवन पुट कर दो तो एक्स की पावर सेवन, ऐसे करके चलता रहेगा। लेकिन जो हम एसएचएम पढ़ते हैं, जो हम एसएचएम पढ़ रहे हैं स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन है, इसका मतलब यह है कि आप देखो एन बराबर वन, एन बराबर तीन, एन बराबर फाइव, तो इसमें सबसे सिंपल कौन सा है, सबसे आसान कौन सा है? सबसे आसान एन बराबर वन ही है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट। हम इसी को एसएचएम कहते हैं, इसी को। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में ये नहीं है, तो इनको हम नहीं पढ़ते। सिर्फ और सिर्फ हम एन बराबर वन जो वैल्यू पुट करते हैं इसी को पढ़ते हैं। क्लियर है? क्लियर है? इसी को पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल सिंपल टाइप, सिंपल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी इज एसएचएम। ये जो इस ऑसिलेटरी की क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, तो सिंपल ऑसिलेटरी हो गया। ये क्या हो गया? सिंपल ऑसिलेटरी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एसएचएम। तो यही इक्वेशन भैया एफ बराबर माइनस के एक्स, यही किसकी इक्वेशन हो गई आज से? एस एच एम की इक्वेशन हो गई। किसकी इक्वेशन हो गई? एस एच एम की इक्वेशन हो गई। बात समझ में आ रही है? एस एच एम की इक्वेशन क्या हो गई? एफ बराबर माइनस के एक्स। इसे क्या बोल देते हैं हम? सिंपल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी एस एच एम को, यानी सरल दोलन गति, या इसको बोल दो सिंपल ऑसिलेटरी मोशन इज नॉन एज, ऐसे बोल दो, ऐसे मैं लिख दूं, सिंपल सिंपल ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉन एज इज कॉल्ड एस एच एम, यानी सरल दोलन गति को क्या बोलते हैं हम? सरल आवर्त गति कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एस एच एम क्या है? जब n की वैल्यू वन पुट करोगे तो सिंपल है, तो इसी सिंपल ऑसिलेटरी मोशन को हम एस एच एम कहते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई? क्लियर। तो एक पॉइंट और आप देखो, एक पॉइंट क्या है कि कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है, किसी किसी किताब में लिखा रहता है कि जो एस एच एम होता है वो एस एच एम एक स्ट्रेट लाइन मोशन भी है। कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो मैं लिख देता हूं और फिर बताता हूं आपको कि एस एच एम इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी सरल रेखा में गति है ये, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो सरल आवर्त गति क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। मतलब क्या हुआ? मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल समझाया था पेंडुलम वाला, सिंपल पेंडुलम का। अभी मैं आपको सिंपल पेंडुलम पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन अभी इसको समझ लो आप। देखो मैंने आपको बताया था ये मीन पोजिशन पर पेंडुलम या बॉल। अब अगर ये बॉल यहां से यहां पहुंच गई, फिर मीन पोजीशन पर लौट के आ गई, फिर यहां से यहां पहुंच गई, तो आप जरा देखो ये इस तरीके से, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? नहीं है। तो इसकी कंडीशन है, उस कंडीशन पर ही हम कहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगी। वो क्या कंडीशन है? कि यहां से जो एंगल है, जो थीटा है, जो एंगल थीटा है, अगर ये बड़ा होगा
तो भैया ये ऐसे दिखेगा सर्कुलर मोशन जैसा। ये थीटा क्या होना चाहिए? स्मॉल। क्या होना चाहिए थीटा? स्मॉल। मतलब ये कंडीशन हो गई कि ये बॉल हो गया, ये एंगल ये यहां तक, ये वाला एंगल ये बहुत, थीटा जो बहुत कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन। चाहे इधर चले, ये थीटा कैसा होना चाहिए, बहुत छोटा। तो मैं क्या दिख रहा है, ये कैसा मोशन कर रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसी कंडीशन पर SHM स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, सरल रेखा में गति करेगा। कब? जब थीटा क्या होगा, इससे बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पर SHM इसको शो करेगा। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है। अब एक पॉइंट समझो आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो देखो पॉइंट क्या है, मैं इसको रफ कर दूं, ऑल ऑल SHM आर ऑसिलेटरी इक्वेशन। बताओ भाई कमेंट करके, क्या सभी सरल आवर्त गति दोलन ऑसिलेटरी मोशन, इक्वेशन नहीं मोशन, क्या सभी सरल आवर्त गति दोलन गति होते हैं? क्या कभी, क्या सभी सरल आवर्त गति सभी SHM ऑसिलेटरी मोशन होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी SHM भैया, सभी SHM ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। SHM की जो इक्वेशन आई है वो कहां से आई है? ऑसिलेटरी मोशन से ही तो आई है, ऑसिलेटरी मोशन से ही तो आई है SHM। तो SHM जो है वो सभी क्या होते हैं? ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। लेकिन बट ऑल ऑसिलेटरी मोशन, ऑल ऑसिलेटरी मोशन, ऑल ऑसिलेटरी मोशन, सभी दोलन गति आर नॉट SHM, आर नॉट SHM। भैया बात समझ में आ रही है? सभी दोलन गति सरल आवर्त गति नहीं होते, सभी सरल आवर्त गति दोलन गति होते हैं, लेकिन सभी दोलन गति आवर्त गति नहीं होते। ये पॉइंट तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं SHM और ऑसिलेटरी मोशन दोनों तुम्हें समझा चुका हूं। इतनी बात क्लियर है? तो इसको नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन वाला, दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली लाइन कभी एग्जाम में नहीं पूछी है, लेकिन नेवी डबल ए पूछ सकता है। और वो वाला जो क्वेश्चन था पीरियोडिक और ऑसिलेटरी वाला, वो वाला क्वेश्चन एयरफोर्स पूछ चुका है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, SHM में जो विस्थापन की इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन SHM, इसको रफ कर दूं भाई, नोट कर लिया। देखो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ, लिखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM यानी सरल आवर्त गति की विस्थापन समीकरण, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, लिख लेना हिंदी में सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, इसको समझो। और इस पर भैया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, न्यूमेरिकल इस पर बन जाते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो देखो ये एक पार्टिकल है यहां, और वो कहां है? अपनी मीन पोजिशन पर है। कहां? मीन पोजिशन यानी माध्य स्थिति पर है। तो माध्य स्थिति का मतलब क्या है भैया? उसका यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। एक्स क्या है यहां पर? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। और भैया रुका हुआ होगा तो टाइम भी क्या होगा? जीरो। अब पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन से इधर चल रहा है, इधर की तरफ, तो यानी कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया उसने? प्लस ए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय किया, दैट इज प्लस ए। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, आयाम। अगर पार्टिकल इधर से इधर चल रहा है तो कितना भैया? एक्स बराबर माइनस ए। इतनी बातें क्लियर है? अगर मैं तुमसे पहली कंडीशन बोलूं कि भाई, पहली कंडीशन ये है कि अगर पार्टिकल मीन पोजिशन से चलना स्टार्ट करे, क्या? मीन पोजिशन से चलना स्टार्ट करे, इधर या इधर, समझना मेरी बात, इधर या इधर, कहां से? मीन पोजिशन से, यानी एक्स बराबर जीरो से इधर चलना स्टार्ट करे या इधर चलना स्टार्ट करे, तब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी? बात समझ में आ रही है? तो देखो मैं बोल रहा हूं, पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन है टी बराबर जीरो एंड एक्स बराबर जीरो। इस बात का मतलब क्या आ गया? फ्रॉम मीन पोजिशन,
फ्रॉम मीन पोजिशन, यानी माध्य स्थिति से। कहां से चल रहे हैं? माध्य स्थिति से। तो तब भैया जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है वो होती है x बराबर a साइन ऑफ ओमेगा t, x बराबर a साइन ऑफ ओमेगा t, x बराबर a साइन ऑफ ओमेगा t। इतनी बात क्लियर है? ओमेगा क्या होता है भैया? ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, टी टाइम पीरियड होता है आवर्तकाल, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी, ठीक है। स्मॉल टी क्या है? मैं आपसे पूछूंगा, देखो अभी बताता हूं, मैं आपसे पूछूंगा कि ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है मीन पोजिशन से चलना प्रारंभ करता है और यहां तक चला, यहां तक मान लो मैंने बोल दिया ए बाई टू चला, तो कितने टाइम में पहुंचा वो टाइम आपको निकालना है। या मैंने बोला कि भैया पार्टिकल कहां से चला? यहां से मीन पोजिशन से a by 3 डिस्टेंस चला, प्लस a by 3 या माइनस a by 3 चला, तो कितना टाइम उसने लगाया, ये सब आपको मैं पूछूंगा सवाल के अंदर। तो ये बात क्लियर है? अगर आपका पार्टिकल मीन पोजिशन से चलना स्टार्ट करता है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? हमेशा x बराबर a sin omega t। अब इसके दो केस हैं, इससे कितने केस हैं? दो केस। पहला केस तो भैया ये है, पहला केस तो ये है कि या तो पार्टिकल मीन पोजिशन से इधर जा सकता है या पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर जा सकता है, ठीक है। तो मैं कंडीशन किसकी बात कर रहा हूं? ये आपकी मीन पोजीशन है, पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, यानी x बराबर प्लस a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। कहां से? मीन पोजीशन से। भैया ये क्या है आपकी? मीन पोजीशन। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो भैया इसकी इक्वेशन होगी x बराबर प्लस a साइन ओमेगा t। क्या होगी? x बराबर प्लस a साइन ओमेगा t। क्लियर? दूसरा केस क्या है कि जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में चले, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी माइनस ए के बराबर। तब आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी? भैया ये कंडीशन है, ये आपका मीन पोजीशन है और पार्टिकल किधर चल रहा है? इधर। किधर चल रहा है? इधर। तो मीन पोजीशन से कितना चल रहा है? एक्स बराबर माइनस ए डिस्टेंस। तो आपका भाई यहां से जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स बराबर माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी, एक्स बराबर माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। आई होप तुम्हें ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है? जब मीन पोजीशन से राइट हैंड साइड में चले तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में चले तो नेगेटिव। ये इक्वेशन हमेशा के लिए सही नहीं है, ये तब ही सही है जब इक्वेशन, ये तभी सही है जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो? एम्पलीट्यूड के बराबर, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा हो। अदरवाइज अगर आपका पार्टिकल, मान के चलो, देखो मैं आपको बता देता हूं अभी क्वेश्चन में चीजें यूज होंगी, ये आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये आपका है एक्स बराबर प्लस ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आपका पार्टिकल चला यहां से यहां तक, कितना चला? यहां से यहां तक, और मान लो ये डिस्टेंस है a by 2, कितनी? a by 2। तो अब ये जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। ये इक्वेशन तभी वैलिड है, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपका पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सिस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर चला है, या नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर चला है, तभी ये वैलिड होंगी। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी? अगर ये a by 2 चला तो चीजें चेंज हो जाएंगी। तब क्या होगा? तब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ये चीजें समझाता हूं। तब क्या होगा? तब आपके थ्रू मैं क्वेश्चन की चीजें समझाता हूं। इतनी बात है क्लियर है? इतनी बात है क्लियर है? तो देखो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल देखो, इसको मैं रफ कर दूं। पहला सवाल देखो यहां से, क्वेश्चन पहला, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, समय बताइए व्हेन पार्टिकल, जब कण, व्हेन पार्टिकल जब कण डिस्प्लेस, डिस्प्लेस एक्स इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a by 2, यानी कहां चल रहा है? 0 का मतलब क्या है? मीन पोजीशन से कितना चल रहा है? a by 2। तो सो कितना टाइम लगेगा उस पार्टिकल को पहुंचने में, ये आपको बताना है। सवाल के अंदर आपको ऑप्शन दे रखा है भाई t by 12, ऑप्शन बी t by 6, ऑप्शन सी t by 4 और ऑप्शन डी t by 8। ये आपको ऑप्शन गिवन है 8। तो सवाल ये है कि पार्टिकल आपको कहां से चल रहा है? 0 से a by 2, a by 2 का मतलब क्या है? प्लस a by 2। बात क्लियर है? तो ये मीन पोजीशन था आपका, मीन पोजीशन से किधर चल रहा है? ये इस डायरेक्शन में। तो x बराबर 0 से, ये आपका यहां पर मानो एक्सट्रीम पॉइंट है, x बराबर प्लस a, तो ये पार्टिकल कहां? यहां कहीं,
यानी यहां कहीं आ रहा है प्लस के ए बाई टू। तो अब यहां से यहां तक चलने में इसको जो टाइम लगेगा वो बताना है आपको कितना लगेगा। तो ऐसे केस में भैया सीधी सी बात है, इक्वेशन यूज करो। जब आप मीन पोजिशन से चल रहे हैं किधर, इस डायरेक्शन में, तो मैंने आपको क्या बताया था इक्वेशन, x बराबर प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी, x बराबर प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। बात क्लियर है? तो देखो भाई ये जो x है ये क्या है, ये x है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, x क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल दूरी, कुल विस्थापन। क्या है? कुल विस्थापन। तो आप x जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो भाई अगर आप इस a में से पूरे में से ये माइनस करोगे तो अपने आप ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, तो बचा कितना, a बाई टू। या सिंपल सा, इतना कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, सबसे आसान समझो कि आप एक काम करना, ये x क्या है? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। तो आप एक काम करना, ज्यादा में से यानी पूरी में से, a में से आप क्या कर दोगे, a में से ये a बाय टू माइनस कर दो, तो आपकी कुल दूरी निकल के आगे नहीं आ गई। एक्स क्या निकल के आ गई? कुल दूरी। एक्स भाई पार्टिकल कितना दूरी चला, a बाय टू। टोटल कितना है, a। तो a में से आप a बाय टू माइनस कर दो, तो आपकी कुल दूरी निकल के आ गई। तो ये बराबर आ जाएगा a साइन ऑफ ओमेगा t। इतनी बात क्लियर है? तो a में से a बाय टू घटाओगे तो कितना बचेगा, ये a बाय टू बराबर a साइन ऑफ ओमेगा t। तो a से a गया तो बचा क्या, ये 1 बाय टू, और साइन के केस में 1 बाय टू कितना, साइन 30 की वैल्यू। तो ये आ गया आपका साइन 30 का मतलब हो गया पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई 6 यानी 180 बाई 6 30 है ना, पाई बाई 6। क्लियर? ये आ गया आपका ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई टी। तो पुट कर दो भैया यहां 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, ये पाई बाई 6। पाई से पाई गया, 6 दूनी 12 और टी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये टी इधर और टी बट्टे 12। तो भैया आपको कितना टाइम लगेगा, t by 12। यानी जब उसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, t, तो उसका 1/12 में भाग आपको यहां से यहां तक लगेगा। इतनी बात है, क्लियर? तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतनी बात है, क्लियर है? ठीक है, अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से नोट करो। देखो दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, यह आपके लिए मीन पोजीशन है। क्या है ये, मीन पोजीशन। ये मान लो आपके लिए क्या है, मीन पोजीशन, यानी पार्टिकल किसमें है, रेस्ट में, और टाइम कितना है, जीरो। और ये भैया आपके लिए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्स बराबर माइनस ए। और भैया ये क्या था आपका, एक्स बराबर प्लस ए। इतनी बात क्लियर है? लेकिन अब क्या है, अब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पर नहीं है। कहां नहीं है, मीन पोजीशन पर नहीं है। अब पार्टिकल कहां है आपका, यहां या यहां, दो कंडीशन में। यानी अब कहां से चल रहे हैं आप, आप या तो इधर से चलोगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से चलोगे किधर की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ, या तो आप इधर से चलो या आप इधर से चलो, तब के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां से चलोगे तो टाइम इसका पार्टिकल का यहां जीरो होगा, और इधर से चलोगे तो टाइम क्या होगा, जीरो। बात क्लियर है? तो कंडीशन क्या है, कहां से चल रहे हैं, फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट टुवार्ड्स मीन पोजीशन। वे एक्सट्रीम पॉइंट से कहां चल रहे हैं, माध्य स्थिति की तरफ चल रहे हैं। तब जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी SHM में, वो होगी भैया x बराबर a cos omega t। क्या होगी, x बराबर a cos omega t, x बराबर a cos omega t। क्लियर है? अब इसमें भी दो केस हैं, या तो पार्टिकल पॉजिटिव एक्सिस से इधर जाए या इधर से इधर आए, तो वही माइनस प्लस का खेल है। अगर नेगेटिव से आएगा तो माइनस लगा दो, पॉजिटिव से जाएगा तो पॉजिटिव लगा दो। तो भैया इसके दो केस बन सकते हैं, इक्वेशन क्या आ गई, x बराबर a cos omega t, इसके दो केस बनेंगे। पहला केस क्या है, कि जब पार्टिकल अगर इधर से चल रहा हो, कहां से, इधर से x बराबर प्लस a से, इस इधर इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट से चल रहा हो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यानी किधर से चल रहा है, जब x बराबर क्या है, प्लस a, और टाइम क्या है, जीरो, तब इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, x बराबर प्लस का a cos ओमेगा t। बात क्लियर है? तब इक्वेशन ये हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या है, जब पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करे,
तो देखो इस यानी x बराबर माइनस ए से, इस पॉइंट पर t क्या है, जीरो। तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी वो होगी x बराबर माइनस ए कॉस ओमेगा t। माइनस की तरफ से चल रहे हैं तो माइनस, प्लस की तरफ से चल रहे हैं तो प्लस। सिंपल सी इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आपसे मैं सवाल दूं, यहां एक सवाल लिख लेते हैं, इस पर नोट कर लिया, नोट कर लो। ठीक है, तो देखो एक सवाल, देखो सवाल ये है, क्वेश्चन, फाइंड द टाइम, समय बताना है, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू प्लस a बाई टू। यानी जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पॉइंट से, a का मतलब प्लस a, समझ रहे हैं ना, प्लस a से किधर चल रहा हो, प्लस a बाई टू, तब आपका टाइम उसको कितना लगेगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको वही दे रखे हैं जो पहले थे, t बाई 12, ऑप्शन बी आपका t बाई 6, और ऑप्शन सी आपका t बाई 8, और ऑप्शन डी है भैया t बाई 4। क्लियर है? तो देखो फिगर देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं भाई। देखो पार्टिकल कहां से चल रहा है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है x बराबर 0। अब देखो पार्टिकल कहां से चल रहा है, यहां से, कहां से चल रहा है, यहां से। तो अब x बराबर कहां चल रहा है, माइनस, सॉरी x बराबर प्लस a से, और कितना चल रहा है, a बाई टू, मान चलो यहां तक आ गया। तब यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है t, वो कितना होगा वो हमें बताना है। तो भैया इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं। तो ऐसे केस में अब आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, x बराबर प्लस a cos ओमेगा t, ओमेगा वही 2 पाई बाई टी है। तो x देखो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, तो वो करना क्या है, पूरे में से a में से इसे बाई 2 को घटा दो, a माइनस a बाई 2 बराबर a cos ओमेगा t। तो a में से a बाई 2 को घटाओगे तो a बाई 2 आएगा, और a बाई 2 आएगा तो a से a खत्म, यहां बचेगा 1 बाई 2। अब 1 बटे 2 cos में किसकी वैल्यू होती है भैया, 60 की, किसकी होती है, cos 60 की, और cos 60 का मतलब हो गया पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा cos ओमेगा t। इतनी बात है, क्लियर है? अब देखो cos से cos, ये बचा पाई बाई 3 बराबर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई पाई t इंटू स्मॉल t। क्लियर है? पाई से पाई गया, 3 दूनी 6, t इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया, पार्टिकल को टाइम कितना लगेगा, पूरे टाइम का 1/6, यानी t बाई 6। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर यहां ऐसे दे रखा होता x a नेगेटिव से चल रहे हैं, माइनस a से, माइनस a बाई 2 की तरफ चल रहे हैं, तो आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे। बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जो आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे उसके अंदर मैं आपको कराऊंगा वेलोसिटी इन एसएचएम, यानी सरल आवर्त गति में वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण, एनर्जी, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाद की चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो भाई ग्रेविटेशन की वीडियो आपके लिए कंप्लीट आ चुकी है, जिसने अगर नहीं देखी है सीरीज वो देख ले। वर्क पावर एनर्जी, यानी यहां तक लगभग आपका मैकेनिक्स काफी करा दिया है मैंने। अब इसके बाद जो बचता है आपका, इसको खत्म होने के बाद एक तो सरफेस टेंशन बचेगा, पृष्ठतनाव, और उसमें आगे विस्कोसिटी, यानी आपका विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स बच जाएगा, कहने का मतलब यह है। इसके बाद आपकी 11th की फिजिक्स का ये हिस्सा क्लियर है, बस सिर्फ हीट को छोड़कर, हीट और बचेगी। क्लियर है? देखते रहें भाई, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, और मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। ठीक है।